इट्स बीटीएस टाइम। और मैम सॉरी आपकी क्लास में मैं नहीं आती थी। मैडम उठ चुकी हैं। हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज सुबह शूट नहीं कर पाई ये पार्ट क्योंकि मैं तैयार होने में इतना टाइम लगा रही थी कि मेरे को लग रहा था लेट ना हो जाए। तो बताओ गाइस क्या बोलना चाहोगे, बोलो। दांत देनी पड़ेगी, बता किसके दूं, अपने दूं या कुणाल के दूं दांत। टाइम पे उठी हो ना? हाँ टाइम पे उठ गई। और आज मुझे बहुत सारे काम है, मतलब बहुत सारे जिसे कहते हैं। वैसे तो अभी बज रहे 6:03 पर अंधेरा था उस वक्त। 5 बजे जब मैं उठी तो उस वक्त अंधेरा था, तो फिर मैंने तैयार होना स्टार्ट किया। मतलब मैंने देखा, मैंने कहा यार अंधेरा है अभी तो वैसे भी नहीं जा पाएंगे। अभी भी पूरी लाइट नहीं है, है ना? गोल्डन आवर होने वाला है। गोल्डन आवर 12 बजे के बाद होता है, 12 बजे होता है। कुणाल ने बोला है गोल्डन आवर होने वाला है ना, होने वाला है। एंड ऑफ डिस्कशन। ओके मैडम, हो रही है बच्ची कुछ तैयार, ज्वेल्स एंड बाकी सब पहन के एंड शूज भी। वैसे तो बोला ही नहीं जा रहा, नींद आ रही है मेरे को तो बहुत तेज। जो सोता है वो खोता है, मम्मी ने बताया था ना। हाँ कोई नहीं, पर आज मैंने सोचा कि मैं यहीं से जिम निकल जाऊंगी क्योंकि वैसे भी मैं उठ जाती हूँ। पर कल रात को, हाँ बढ़िया इतना ठीक है। ना कुणाल पीछे शूज दे दे मेरे। पहले शूट की लोकेशन ये है, ये वाइट वाइट सा जो दिख रहा है आपको, वो कह रहे कि मैं ज़्यादा देर ऐसा नहीं चल सकती, कैमरा निकाल। डेडिकेशन देखते हुए बेचारी का मेकअप पूरा बह चुका है। वाइट तो ले लिया है, क्लोज तो ले ठीक है। कितनी देर में खत्म हो जाएगा शूट? 5 मिनट। ये फैन तो ना कमाल का है ना। इट्स बीटीएस टाइम। मैं 6:35 और 6 बजे हम आए थे और मतलब 6 बजे हम आए थे। हमारा व्लॉग हमारा व्लॉग कह रही हूँ, हमारा शूट भी खत्म हो गया। वाह वाह सुरभि वाह। भाई दर्द हो गया पैरों में, उतार दिए फावड़े। यार ये हैवी तो देख कितने कितने बड़े। इसलिए मैं खरीद नहीं रही थी, मैं बस लुक की वजह से लिया कि इसका लुक अच्छा लग रहा था। कुणाल रखियो प्लीज ये पीछे। ओ पहन के क्या ये दिखाई घर वाली चप्पल। वाह स्ट्रगल इज रियल, स्ट्रगल इज रियल। तो ऐसा उतार दिया, मैं तो बहुत थक गई हूँ। खड़े खड़े करा गया तूने, थक गई है। कुणाल एक दो फोटोज दिखाई हो। नींद आ रही है मेरे को, देखो अभी देख लो गंदी फोटो ही दिखा रहा है। वैसे अभी को दिखा रही है तूने? हाँ वैसे अभी को दिखा रही हूँ, मैं वैसे दिखा रही हूँ, अभी नहीं दिखा रही मैं फोटो। अभी मैं देख रही हूँ। हाँ तो अपनी शक्ल दिखाने में क्या जाए? नहीं मैं अपनी शक्ल नहीं दिखा सकती, मुझे नज़र लग जाएगी। ओहो सो गाइस वैसे तो मैं ऐसे कभी बोलती नहीं हूँ, बट मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि भाई बहन तो सबके होते हैं पर मेरे ही बहुत सपोर्टिव है। हाँ उसको एक दो डांट सुनाऊँ तो वो मेरे साथ आ जाती है, मैं बिना डांट के आ जाती हूँ। वैसे आज तो बिना डांट के आ गई थी, बेचारी अपनी नींद ख़राब कर देती है जिसमें इसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसके बाद भी मेरे साथ चलती है। हाँ। तो मैंने देखा यार जिनके भी भाई बहन होते हैं ना वो आपस में एक दूसरे की बुराइयाँ करते रहते हैं, वो सगे ही नहीं होते एक दूसरे के। सच में सगे भाई बहन ही एक दूसरे के सगे नहीं होते, बट ऐसा हमारे बीच टच वुड कुछ नहीं है अभी तक। और ये अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाह रही इसलिए मैं इसका रिएक्शन कैप्चर नहीं कर सकती क्योंकि मेरी शक्ल सूज रही है। हाँ सुबह उठी है ना, क्योंकि अभी है, कोई बात नहीं चल रहा। मेरा मन कर रहा है कि ना मैं अपना कार का काम निपटा लूँ, मैं पहुँच जाऊँ कार के शोरूम पर। हाँ वैसे बुरा नहीं है। अरे पर अर्चना आज मेरे को कॉलेज भी जाना है अपने डिग्री लेने। बीएड की नहीं, बीएड की तो बाद में आएगी, जो वो डिग्री कह रही हूँ सॉरी, जो बीए का वो था ना क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट हाँ वो नहीं लिया मैंने अभी तक। थोड़ी जॉब है सर्विस अटेंड करी।
किसके पास है? टीचर की जॉब है इसके पास भी। नहीं यार अभी अभी मेरा कोई टीचर जॉब करने का मन नहीं है सच में, अभी कोई मेरा ऐसा मूड नहीं है। अभी मैं अपनी लाइफ में जो कर रही हूँ अच्छा कर रही हूँ, और मेरे को शुरू से यही है कि मुझे बिजनेस करना है। तो मम्मी ये कहने पे मैंने कर ली थी बीएड, बट देखते हैं। मम्मी ने अभी सुबह सुबह चाय बनाई है, मैंने बोला था मैगी खाने का मन कर रहा है, कुणाल एडिटिंग पे लग गया है। चिंगी मेरा चिंगी दादा के पास बैठा हुआ है, मेरा चिंगी काट क्यों रहे हो? अच्छा प्यार कर रहे हो? चिंगी थोड़ा सा नाराज है क्योंकि ना चिंगी पुम पुम क्योंकि आज मैं इसको ऐसे ही छोड़ के भग गई थी, और मैं ये भी बोल के गई थी मैं बच्ची जा रही हूँ। बाय मम्मी बच्ची जाओ। मम्मी बच्ची गई, वो बच्ची गई, चाय पे गिर जाएगा। अरे नहीं गई। मैं हमारे स्काई का अकाउंट मैनेज कर रहा है कुणाल, है ना कुणाल? यस। हाँ इंस्टाग्राम का अकाउंट मैनेज कर रहा है, देख ले भाईचारे का फायदा। खुश हो रहा है तू? गाइस फाइनली मैं आ चुकी हूँ कॉलेज, और मुझे मिली है अर्चना जिसकी शादी हुई थी। वैसे याद नहीं रहा चूड़ा वूडा नहीं पहन के, मेरे को ये था कि चूड़ा वगैरह पहन के आएगी। जबरदस्ती चाहती है कि मैं चूड़ा पहन के आऊँ, और क्या चाहती नहीं मैं। मैं ब्लॉग में दिखाती कि यार देखो मेरी चूड़े वाली फ्रेंड शादी हुई है उसकी। नहीं भाई सब तुझे ही देख के जा रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं प्रिंट आउट निकलवाने, और अभी आपको कॉलेज में दिखाऊंगी अपना पूरा। यस अब हम दोनों के नंबर रिजन और नंबर से हमारे रिजल्ट देखेगा तो कहेगा हम पक्का चीटिंग करके बैठे हैं दोनों के। मतलब सेम, मतलब ये कहते हैं ना, ऐसा लग रहा था कि पूरे मतलब ये और मैं एकदम टीप रहे थे पेपर। अगर इसके 52 है तो मेरे 52 है, इसके 73 मेरे 70, मतलब एक एक चीज। और हमारे रोल नंबर में 25 बच्चों का फर्क है। हाँ और हम एक साथ पढ़ते थे, जैसे कि सबको पता ही होगा कि मैं अर्चना के साथ ही पढ़ती थी, और मैं कॉलेज में भी मेरे दो चार ही फ्रेंड थे, मैं ज़्यादा किसी से बात करती नहीं थी। और सबसे पहले जब मैं इससे कॉलेज में मिली थी ना, मेरी इससे लड़ाई हो गई थी कभी। मतलब मेरी लाइफ में होता है जिससे मेरी लड़ाई हो जाती है ना स्टार्टिंग में, उससे मेरी अच्छी पटती है। तो मे बी ये रीज़न हो सकता है कि इससे मेरी पट रही हो। आ जाओ आप शर भी हो क्या? ये तो पहचान नहीं रही थी सुरभि के लिए, आप मुझसे झूठ बोल रहे हो। यस बट अब क्या ठीक हो गया? क्योंकि इन्होंने मुझे बोला कि आपने अगेन सबकी तरह इन्होंने बोला आपका वेट बहुत लूज हो गया, तो आप पहचान में नहीं आ रहे। दीदी पतली हो गई है। गाइस मेरा ना आई कार्ड खो चुका था, तो मेरी ना डिग्री नहीं आ रही है, मेरे को बहुत इसको मना कर दिया कि आप तो इस कॉलेज के थे ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, इसको बोल रहे आप जाओ। वाओ मैं इसी कॉलेज की थी, इसी कॉलेज की रहूंगी, बस मुझे डिग्री चाहिए अपनी। शेट यार अब नहीं मिलेगी, बट उन्होंने मतलब ऐसे साफ मना कर दिया कि विदाउट। बाकी देखते हैं कुछ जुगाड़ लगाते हैं, देखते हैं। पागल पिटेगी अगर किसी ने देख लिया, उठ जा चल हरकतें मत कर। नहीं किसी की जाएगी, अभी मेरी डिग्री नहीं मिलेगी, चल तेरी ऐसे नहीं मिलेगी, चुप रह मुझे कॉलेज से निकाल, चुप रह। वूहू मिलेगा, फाइनली हमारे पास डिग्री आ गई। और मुझे तो सर ने रुला दिया था, मेरे को इतना चक्कर मरवाए सर ने, यहाँ जाओ वहाँ जाओ ये करो वो करो। पहले जा रहे कैंटीन पानी पीने क्योंकि मेरी हालत हो चुकी है बहुत ख़राब। उसके बाद हम जाएंगे हमारे घर स्काई से मिलने। तो अच्छी तरह डिग्री नहीं दिखाएंगे क्योंकि अभी मैंने पढ़ी नहीं है, बट उसमें और भी इन्फॉर्मेशन होंगी। हाँ इसका अकाउंट नंबर लिखा है। और क्या बैंक में से तू ही तो निकालेगी मेरे पैसे, है ना? मेरी तो शुरू से इसके बैंक में नजर है। चलो लगे हमने 2 रुपये का पेटीएम करा अभी, 2 रुपये आराम से चल आ जा। सो गाइस अब हम आपको वो चीज़ दिखाते हैं जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा बैठा करते थे और सबसे ज़्यादा ठूसा करते थे, वो है हमारी कैंटीन। तो हम दिखाते हैं, दिखा दो। तो ये रही हमारी कैंटीन, और 2 साल में मुझे नहीं लगता कोई चेंज आया है, कोई थोड़ा सा भी चेंज आया है। अंकल भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही है। चले चले चलो फैन फॉलोइंग 2021 में। मेरी वहाँ पे एंड सबसे वहाँ लास्ट में क्लास लगती थी, वहाँ पे हिस्ट्री की लगती थी, यहाँ पे हैप्पी बर्थडे थी कभी उस क्लास में आज तक पढ़ती नहीं थी, बट नंबर आ जाता है भगा देती थी क्लास। अब हम जा रहे हैं स्टाफ रूम मैम के पास, तो देखते हैं चलो। सो गाइज मेरी सारी टीचर्स यहाँ पे हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया, और पूनम मैम से मैंने डांट भी खाई है,
और ममता मैम से बहुत फ्रैंक रहती थी, और मैम सॉरी आपकी क्लास में मैं नहीं आती थी उसके लिए, और मैं मैम से कभी पढ़ी नहीं हूँ, बट मुझे मैम का याद है कि मैम से मेरी बात होती थी, तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। तो यहाँ पर डिबेट के ऑडिशंस हो रहे हैं अभी, यहाँ पे पढ़ाई हो रही है, चल लो यहाँ से। यहाँ पे पढ़ाई भी होती है अर्चना, हमने तो यहाँ पे गुंडागर्दी करी है, यहाँ पे पढ़ाई कब से होने लग गई, वही तो। सो ये हमारा बेसमेंट था, एंड यहाँ पे हमने डांस किया था, है ना, फेयरवेल के लिए डांस किया था ना यहाँ पे हमने। सो ये हमारा वो एरिया था जहाँ पे हमने फेयरवेल के लिए डांस किया था, और ये ऐसे टूट के यहाँ पे कपड़े चेंज किए थे, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ, सब वैसे का वैसा ही है, और मेरे को लगा थोड़ा बहुत तो चेंज आएगा ही कॉलेज में हमारे जाने के बाद, बट कुछ चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल वैसा ही है। ये फ्रेशर्स में सीखी थी। हाँ, अर्चना को भूख लग रही थी इसलिए हमने राजमा चावल और स्प्रिंग रोल मंगाया, और ये मतलब स्प्रिंग रोल मैं बहुत टाइम बाद खा रही हूँ, मन तो दे रहा था, तब चलो खाते हैं। गाइस गर्मी में हो चुकी है हालत खराब, और अब हम जा रहे हैं घर। मैं तो सादापुर ही लग रही हूँ, मैं शक्ल देख एकदम ऐसा हो गया, पता नहीं क्या किसी ने मिट्टी लगा दी मेरे चेहरे पे एकदम, ऊपर से सब लोग सेल्फी सेल्फी सेल्फी, मतलब कम से कम 50 लोगों ने हमें रोका होगा, आप सिर भी हटो रहे, नहीं आप झूठ बोल रहे। तो मैम मुझे कह रही थी कि कॉलेज में आया करो, इतना टाइम निकाल के आई हो यार ये चीज ये डिग्री लेने के लिए, बट मैम ने बोला अब अगली बार मैं कॉलेज में आने की पूरी ट्राई करूंगी। एलुमनाई बन के के खिलाड़ी। तो ये वाला जो पुल है ना, मैं जब भी यहाँ से जाती थी ना, मैं मेरे को बहुत डर लगता था कि बस थोड़ा डरावना, बहुत ज़्यादा गड्ढे आ रहे हैं, ओह माय गॉड, आराम से। अभी हम पी रहे हैं ओरियो शेक और पास्ता, और ये एकदम बाल एकदम सही करने लग गई जैसे ब्लॉग स्टार्ट हो गया, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। तो अभी इसका पास्ता खाने का मन था तो अभी हमने ये ऑर्डर किया, चलो खाते हैं अब। तो गाइस अभी आप सोच रहे होंगे मेरी हालत कैसी हो गई है, क्योंकि मैं जैसे ही कॉलेज से आई उसके बाद फिर अर्चना के साथ बैठी थोड़ा, आज मैं जिम नहीं जा पाई, बट कोई नहीं, अगर मैं आज जिम नहीं गई संडे को भी जाऊंगी फिर कवर हो जाएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मैं सो गई थी क्योंकि कल से मैं सिर्फ 2 घंटे सोई थी, तो मुझे नींद लेनी बहुत ज़रूरी थी इसलिए मैं दिन में सो गई शूट वगैरह सब कुछ काम करने के बाद। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, बाय।